आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। जिसको खाना लेना है वह जय श्री राम का नारा लगाएगा। मुंबई में मुस्लिम महिला और शख्स में तीखी बहस। महाराष्ट्र की मुंबई में टाटा हॉस्पिटल के बाहर का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स लोगों को खाना बांटते हुए नजर आ रहा है, लेकिन आरोप है कि खाना बांटते समय वह शख्स लोगों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कह रहा है। आरोप है कि इस व्यक्ति ने एक मुस्लिम महिला को भी नारे लगाने के लिए कहा। इसके बाद कुछ लोगों ने जब लगातार शख्स को ऐसा करते देखा तो वीडियो बनाना शुरू कर दिया। यह है पूरा मामला। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति भंडारा बांट रहा है, जिसमें वह कतार में खड़े लोगों से कह रहा है कि जिसको खाना लेना होगा वह जय श्री राम का नारा लगाएगा, जिसको जय श्री राम नहीं बोलना है वह लाइन में नहीं आएगा। इस बीच वीडियो बनाने वाला शख्स हस्तक्षेप करता है, जिसे महिला कहती है। बुजुर्ग शख्स कह रहा है कि जय श्री राम बोलोगी तभी खाना दूंगा, नहीं तो भागो यहाँ से। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि जब वह बोल रहे हैं तो आप खाना मत लीजिए, जय श्री राम बुलवा कर खाना दे रहे हैं तो आप मत लो। हालांकि इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया भी आ रही है। वीडियो बनाने वाला शख्स लोगों की प्रतिक्रिया लेता है तो एक व्यक्ति कहता है कि मैंने भी जयकार लगाया है और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहां मौजूद दूसरा शख्स इस पर आपत्ति जताते हुए कहता है कि हॉस्पिटल वाले भेदभाव नहीं कर रहे, तो फिर अगर कोई खाना बांट रहा है तो खाना बांट कर जाओ। मुंबई पुलिस ने बुजुर्ग शख्स को भेजा नोटिस। फिलहाल मुंबई पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मुंबई की भोईवाड़ा पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। इस मामले में जिस शख्स पर आरोप है कि वह जय श्री राम बोलने के बाद ही खाना दे रहा था, उसके खिलाफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्ज किया है और उसे नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया है कि उसे शांति रखनी होगी, अगर उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनता है तो कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।